हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल एंड दिस इज अवर पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक एंड टुडे वी कवर इन डिटेल अबाउट द इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशली वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डी सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो फर्स्ट वन इज कॉलेज सी यू डीडी इन शॉर्ट इट इज कॉलेज सी यू डबल डी सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेकेंड इज कॉलेज डी यू डी डी सो बॉथ आर कम्स अंडर द यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है कि यूनिट डोज जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जब हम किसी मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यूनिट डोज में ही करते हैं तो उसके फर्दर दो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है वो हम ये लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा को आपको सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रेस ऑन बेल आईकॉन एंड एनडियो फार्म स्टडी मटेरियल है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर जो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप सो डाउनलोड दिस ऐप फार्मरॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले आईफोन यूजर्स कैन चेक द लिंक ऑफ एपल आई फोन स्टोर फ्रॉम डिस्क्रिप्सन बॉक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हॉस्पिटल कि जहाँ पे हमें मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ ए हॉस्पिटल कि व्हाट इज हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वेयर प्रोवाइडिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट विद स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेन मेडिकल स्टाफ फार्मासिस्ट नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स टू क्योर द पेशेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए हॉस्पिटल कि वेर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इज अकर्स विथ यूजिंग ऑफ स्पेशलाइज मेडिकल इक्विपमेंट एंड फॉर हैंडलिंग ऑफ दैट इक्विपमेंट्स और दैट मटेरियल वी रिक्वायर द प्रॉपर ट्रेन स्टाफ दैट इंक्लूड्स द मेडिकल स्टाफ फार्मासस्ट एंड नर्सिंग स्टाफ कि जब आपको पेशेंट की अच्छे से ट्रीटमेंट करनी है तो इक्विपमेंट तो है ही बट वो इक्विपमेंट्स को हैंडल करने के लिए चाहिए स्टाफ तो ये है हॉस्पिटल जहां पे पेशेंट की अच्छे से हेल्थ केयर ट्रीटमेंट दी जाती है टू क्योर दैट पर्टिकुलर पेशेंट अब हॉस्पिटल फार्मेसी इट मीन्स द फार्मेसी विच इज कम्स विद इन द प्रेमाइसिज ऑफ ए हॉस्पिटल और द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इज नॉन एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी कि दिस फार्मेसी इज अंडर द दिन ए प्रेमाइसिस ऑफ ए एनी हॉस्पिटल सो दैट फार्मासी इज कॉल ए हॉस्पिटल फार्मेसी एंड वेर वी डू द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन दैट हॉस्पिटल अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मास प्रोफेशनल फार्मासस्ट जो अवेलेबल है वो ये फार्मेसी को अच्छे से रन करते हैं कि जिनके पास लाइसेंस है नॉलेज है टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनस हॉस्पिटल फार्मेसी का जो फंक्शन है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से हम करते हैं इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट के अंदर कि दो डिपार्टमेंट जो मेन है किसी भी हॉस्पिटल के तो एक तो है आईपीडी डिपार्टमेंट एंड सेकंड जो डिपार्टमेंट हमें पता है वो है ओपीडी तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो फंक्शन है कि ओपीडी एंड आई पी डी दोनों के अंदर मेडिसिन को अच्छे से प्रोवाइड करना डिस्ट्रीब्यूट करना और उसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं फार्मासिस्ट तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्वालिफिकेशन है रजिस्टर फार्मासिस्ट है एंड लाइसेंस एंड नॉलेज है टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन तो हमेशा आपको ये बेसिक्स नॉलेज खास रखना है रिगार्डिंग हॉस्पिटल फार्मासी या फिर फार्मासी प्रैक्टिस की फार्मासिस्ट का जो रोल कि राइट टाइम राइट पेशेंट राइट डोज एंड राइट मेडिकेशंस विदाउट डिले एंड सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सूटेबल होता है पेशेंट के लिए तो जब इस तरह से अच्छे से पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करनी होती है तो ज़रूरी है ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार करना कि आपके जो भी टाइप की हॉस्पिटल है कि जब हमने हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन सीखा था तो उस वक्त जो हमने अलग अलग हॉस्पिटल्स के डिटेल में सीखा कि समझो कि आपकी हॉस्पिटल काफ़ी स्मॉल हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर गवर्निंग बॉडीज थ्रू रन होने वाली हॉस्पिटल से चैरिटेबल ट्रस्ट वाली हॉस्पिटल है तो मतलब किसी भी टाइप के हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है तो उनके लिए जो ये मेडिसिन की जो जरूरत पड़ती है अलग अलग कि टैबलेट डोजेस फॉर्म होते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म फिर ये है हमारा कैप्सूल डोजेस फॉर्म कैप्सूल के अंदर भी ये छोटे छोटे पैलेट्स वगैरह फिल किए हुए हैं ग्रैन्यूल्स वगैरह फिर इंट्रावेनस के लिए इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं तो सभी डोजेस फॉर्म को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल तो उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग वार्ड्स के अंदर मेडिसिन को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सिस्टम तैयार करते हैं और जिसके अंदर फार्मासिस्ट रहता है सेंटर में कि ये रहेगा फार्मासिस्ट आपके सेंट्रल में और वहाँ से सभी जगह पे मेडिसिन के जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करेंगे फार्मासिस्ट के समझे कि पेशेंट की और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है नर्सिंग स्टेशन की और करनी है उसके बाद फिजिसियंस के साथ करनी है या फिर चीफ फार्मासिस्ट उसके भी अंडर में रहे दूसरे फार्मासिस्ट तक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करता है तो सभी बाजू से उसको ध्यान रखना पड़ता है और काफी इंपोर्टेंट रोल जिसका है इन्हें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके तीन कैटेगरीज हमेशा आपको याद रखनी है कि वार्ड कंट्रोल सिस्टम फार्मासी कंट्रोल इंप्रेस बेस्ड सिस्टम एंड थर्ड है फार्मासी कंट्रोल पेशेंट पेशेंटिस सिस्टम उसके अलावा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू तो इन पेशेंट की ऐसे पेशेंट की जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किए हुए हैं पेशेंट्स की जो घर से आते हैं होम ओपीडी के अंदर ट्रीटमेंट करवाते हैं डायग्नोसिस वगैरह उसके बाद आईपीडी के अंदर उनका जो थेरापी का ड्यूरेशन है उसके दरमियान आईपीडी के अंदर ट्रीटमेंट लेकर फिर अपने घर जाते हैं तो आईपीडी के अंदर जो पेशेंट से इन पेशेंट उसके लिए अच्छे से मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है जिसके लिए टोटल चार हमने सिस्टम बनाई है फर्स्ट है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू मेथड की जो हमने ये वाला पार्ट वन एंड पार्ट टू के अंदर ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था ऑफ दिस टेक्निक्स उसके बाद जो मेन है आज का जो हमारा टॉपिक की यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड कि यूनिट डोज के अंदर हम सिंगल यूनिट की टैबलेट का सिंगल यूनिट या फिर कैप्सूल का या फिर कोई इंजेक्शन का सिंगल डोज वगैरह पेशेंट को डिलीवर करते हैं तो यूनिट डोज जब किसी पेशेंट्स को दिया जाता है तो उस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाई जाती है वो है यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग मेथड तो क्या है मेन कि हमने ये देखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम कि जिसके अंदर आगे की जो दोनों टेक्निक्स का हम कॉम्बिनेशन से यूज़ करते थे बट जो मेन हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग टेक्निक कि जो हमें आज के लेक्चर में डिटेल में सीखना है कि एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल को जब हम ब्लिस्टर में से रिमूव करके ये जो ब्लिस्टर्स के अंदर रही कोई सिंगल टैबलेट या फिर कोई सिंगल कैप्सूल्स को रिमूव करके जब पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हो जाएगा यूनिट डोज डिस्पेंसिंग तो उसके एडवांटेजेस क्या है तो बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल तो ये पॉइंट हम समझते हैं कि बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे कि कई बार जो टैबलेट की जो ये ब्लीस्टर होती है उसके अंदर टोटल टेन टैबलेट्स इस तरह से अवेलेबल होती है कि जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि टोटल टेन टैबलेट्स है उसके अंदर दस टैबलेट से अब समझो कि पेशेंट को जरूर है नीड ऑफ ओनली फॉर नीड ऑफ ओनली फॉर टैबलेट्स तो यूनिट डोज में क्या किया जाएगा इंडिविजुअली एक दो तीन और चार अलग अलग टैबलेट्स जो है वो पेशेंट्स को दी जाएगी या फिर चार टैबलेट चाहिए तो चार ही टैबलेट उसको कट करके हम देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि समझो कि ये टेन टैबलेट का जो ब्लिस्टर है उसकी प्राइस है हंड्रेड रुपीस। जस्ट हम कंसीडर कर हैं कि एक टैबलेट जो है वो दस रुपये की है रुपीस टेन तो दस टैबलेट का जो ब्लिस्टर है वो हंड्रेड रुपीस में आएगा बट जब पेशेंट को चार ही टैबलेट चाहिए वैन द पेशेंट नीड ओनली फॉर टैबलेट्स देन यू विल गिव ओनली फॉर डिफरेंट फॉर टैबलेट्स फ्रॉम दैट ब्लिस्टर तो अब इसकी कॉस्टिंग देखो तो ये हो गया सिर्फ फोर्टी रुपीज़ और यहाँ पे जब आप पूरा ब्लिस्टर देते हो तो हंड्रेड रुपीज़ होता है और जब यूनिट में देते हो आप उसको यूनिट डोज में तो जब पेशेंट चार ही टैबलेट यूटिलाइज करता है तो उसको पे करना पड़ता है ओनली फोर्टी रुपीज़ और जब पूरा ब्लिस्टर खरीदेगा तो उसको यू पे करने पड़ते हैं हंड्रेड रुपीज़ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ रुपीज सिक्सटी तो ये हो गया बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या आप यूनिट में ही दो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि अपने तौर से वो चार टैबलेट की जरूरत है तो चार ही टैबलेट लेगा दस टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है उसी के साथ एसोसिएटेड ये नीचे वाला पॉइंट है कि इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ पार्शियल यूज मेडिकेशंस। अब यही पॉइंट को समझो कि यहाँ से पेशेंट को दस टैबलेट दे दी है बट उसने सिर्फ चार ही टैबलेट यूज़ की ये दस का जो ब्लिस्टर था उसमें से ओनली फॉर आर यूज तो अब वही ब्लिस्टर की आप हालत देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये वाला जो ब्लिस्टर है तो ये चार टैबलेट्स का जो हम दिखा देते हैं कि वो यूज़ हुई तो वो ब्लैंक दिखा दे है और ये भरी हुई टेबलेट के लिए हम जो सर्कल है वो डार्क कर लेते हैं तो अब क्या होता है कि अब छैबलेट ऑलरेडी ये ब्लिस्टर के अंदर अवेलेबल है और यूज हुई है ओनली फॉर दीज आर यूज एंड देर आर अनयूज फॉर टेबलेट यूज हुई टैबलेट अनयूज हुई तो मतलब क्या हुआ कि उसको हम कहेंगे पार्सियली यूज तो यह पूरा ब्लिस्टर क्या कहा जाएगा पार्सियल यूज ब्लिस्टर कि पूरा यूज नहीं हुआ है पार्शियल यूज हुआ है चार टैबलेट यूज हुई है छह अनयूज हुई है तो अब जब पेशेंट को चार की ही जरूरत थी तो समझो कि आपने ये वाले सिस्टम को अप्लाई करके जब चार टैबलेट दी होती तो ये पार्सल यूज ब्लिस्टर हमारा तैयार ना होता बिकॉज ये पार्सल यूज हुआ ब्लिस्टर अब समझो कि कोई रिटर्न नहीं लेता है फार्मास स्टोर पे तो ये ब्लिस्टर जो है वो फर्दर जो है समझो कि उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो पेशेंट क्या कर देगा उसको फिर डिस्कार्ड कर देगा तो उससे क्या होगा कि पार्सल यूज़ मेडिसिन लॉस होती है बाय अदर सिस्टम जबकि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में हम उसको कर देते हैं प्रिवेंट कि पार्सल यूज़ प्रिवेंट हो जाएगा बिकॉज जब चार टैबलेट की ज़रूरत है तो चार ही टैबलेट हम पेशेंट को डिलीवर करेंगे एक और एडवांटेज इज डज नॉट रिक्वायर द स्टोरेज फैसिलिटी एट द नर्सिंग स्टेशन ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत नहीं है जस्ट समझो कि आपके पास मेडिकेशन बास्केट होगा कि जिसको हम कहते हैं ड्रग बास्केट या फिर मेडिकेशन कार्ट होगा तो उससे काम चल जाएगा अलग से उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज डायरेक्टली जो सेंट्रल फार्मसी या फिर मिनी फार्मसी से आप या आपके बास्केट या फिर मेडिकेशन कार्ड को क्या कर देगो कर सकते हैं रिफिल कर सकते हैं और वो रिफिल करके आप पेशेंट्स को जो है वो मेडिकेशंस दे सकते हैं वो भी यूनिट डोज के अंदर तो उसके दो टेक्निक सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डी यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो ये दो टेक्निक्स आपको अच्छे से याद रखनी है एक तो है सी यू डी डी एंड सेकेंड इज द डी यू डी डी तो दोनों को अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज सी यू डी डी एंड वाट इज डी यू डी डी तो व्हाट इज़ सी यू डी डी सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड है ये समझो कि सेंट्रल Central. सेंट्रलाइज के अंदर एक वर्ड छुपा है वो है सेंट्रल तो सेंट्रली जब ये सिस्टम ऑपरेट होती है तो वो कही जाती है सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जब सेंट्रलाइज होगा तो फार्मेसी के अंदर हम देखें तो जो सेंट्रल फार्मेसी है ये सेंट्रल फार्मेसी पूरे सिस्टम को हैंडल करेगी ऑफ सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस इन यूनिट डोज एंड ऑल द ड्रग्स आर स्टोर इन सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी एंड डिस्पेंस एट द टाइम द डोज इज़ टू बी गिवन टू द पेशेंट कि डिस्पेंस के दौरान जो भी डोज पेशेंट को चाहिए वो डायरेक्टली सेंट्रल फार्मेसी से ही डिलीवर किया जाएगा टू ऑपरेट द सिस्टम डिलीवरी such as मेडिकेशन carts और न्यूमेटिक ट्यूब्स आर used. अब ये जो pharmacy स्टोर है वो सबसे सेंट्रल में है कि समझो कि मैं एक लेआउट सिंपल आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यह समझो कि हॉस्पिटल का प्रेमाइसिस है और सबसे सेंटर में आपने ये फार्मेसी बनाई हुई है या फिर आ, कोई साइड में यहाँ पे फार्मेसी है कि जहाँ से ओ वो नज़दीक पड़ती है तो सिंपली समझो कि हम एक ही कंसीडर रखते हैं सेंट्रल वाला कि ये जो सेंट्रल में जो फार्मेसी है तो वो फार्मेसी समझो कि ये साइड आईपीडी डिपार्टमेंट है और ये साइड ओपीडी डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का तो ये जो फार्मेसी जो सेंट्रल में है वो आईपीडी में भी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी एज़ वेल एज इन्हें ओ तो आई के लिए वो स्पेशली क्या तैयार करके रखेंगे मेडिकेशन कार्ट और मेडिकेशन कार्ट का पॉसिबल नहीं होता तो न्यूमेटिक ट्यूब्स का भी वो सहारा ले सकते हैं कि जब काफी हॉस्पिटल के अंदर काफी पेशेंट्स रहते हो और जब इस तरह के कंडीशन में भी आप यूनिट डोज से डिस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने सेटअप की है जिसको हम कहते हैं सी यू डी डी तो उस वक्त न्यूमेटिक पंप भी यूज करके आप जो सेंट्रल में जो भी फार्मासिस्ट वगैरह होंगे वो आईपीडी में भी मेडिसिन बेच सकेंगे एंड आल्सो इन ए तो न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम ये एक अप्लाई की जाती है नॉट इन ऑल हॉस्पिटल्स बट इन सम रेयर केसेस कि एक न्यूमेटिक सिस्टम है कि जब आपको काफी फास्टर डिलीवर करना है फॉर फास्टर डिलीवर ऑफ मेडिकेशंस तो यहाँ पे क्या है कि न्यूमेटिक ट्यूब्स और कैप्सूल पाइपलाइन और ऑल्सो नॉन एज ए न्यूमेटिक ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट और पी टी टी न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम और न्यूमेटिक ट्यूब ट्रांसपोर्ट आर सिस्टम दैट प्रोपेल सिलेंड्रिकल कंटेनर्स कि समझो कि मैं उसके व्यूज़ दिखा देता हूँ आपको कि समझो कि आप उसका साइड व्यू देखें तो इस तरह से अंदर जो स्पेस आपको देखेगी कि यह है उसके अंदर स्पेस अब उसको इस तरह से देखेंगे तो ये लॉन्ग एक पाइप जैसा है सिलिंड्रिकल पाइप तो उसके दो में बना लेता हूं एंड एंड ए एंड दिस इज द एंड बी एक को हम कहते हैं कि इनलेट है और सेकंड जो है वो आउटलेट तो इनलेट जो है वो कहां पे होगा आ, सेंट्रल फार्मेसी के पास होगा ये इसका इनलेट और उसका जो आउटलेट कि जहाँ पे आपको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवानी है कि अलग अलग वार्ड्स है डिपार्टमेंट है या फिर नर्सिंग uh, स्टाफ के पास जा रही है या फिर उसके जो अलग अलग जो स्पेशलाइज जो रूम्स होंगे कि जहाँ पे पेशेंट्स एडमिट है तो वहाँ पे समझो कि उसका आउटलेट जाता है तो अब क्या करते हैं Uh, कि प्रोपेल सिलेंडर कंटेनर्स थ्रू नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स बाय कॉम्प्रेस एयर बाय पार्सियल वैक्यूम ये जो हम जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं वो जस्ट किसके लिए टू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए कि ये जो स्पेस है तो ये स्पेस के अंदर आप किसी भी चीज को रख सकते हैं कि जो भी आपके टैबलेट से कैप्सूल है तो ये जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रख सकते हैं इनलेट के अंदर और जो वैक्यूम प्रेशर अंदर जो क्रिएट होगा वो वैक्यूम प्रेशर जो की जो डायरेक्शन है वो ए से लेकर बी के साइड होगी तो जैसे ही आप ए के अंदर कोई चीज़ रखोगे तो डायरेक्टली वो पहुंच जाएगी आउटलेट की और आउटलेट में जो भी कोई फार्मासिस्ट है या फिर कोई नर्सिंग स्टाफ है तो वो मेडिकेशंस को कलेक्ट कर सकता है वहां से तो इसमें यही लिखा है आगे हम देखेंगे पॉइंट कि दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट एज ऑपोज टू ए कन्वेंशनल पाइपलाइंस विच ट्रांसपोर्ट द फ्लूड्स कि जैसे कन्वेंशनल जो पाइपलाइंस होती है कि जो हम फ्लूड गैसेस के ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ करते हैं उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है ये कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसप्लांट करती है जबकि ये वाले ट्यूब्स को हमने देखा है कि वो स्पेशली लिक्विड या फिर गैसेस के लिए यूज़ होता है बट जब आपको सॉलिड को ट्रांसप्लांट करना है ट्रांसपोर्ट करना है तो सॉलिड तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या अंदर क्रिएट करना पड़ेगा वैक्यूम प्रेशर तो यही कॉन्सेप्ट समझो कि कहाँ से अडोप्ट किया जाता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट तो आपने देखा होगा कि जो हाइपर लूप का जो आपने कई बार सोचा होगा कि इसी लूप की जिसके अंदर सिटी वन है और सिटी टू दो सिटीज के बीच में समझो कि आप ऐसा सिलेंड्रिकल हाइपर लूप बनाते हो तो सिटी वन से जो भी व्हीकल्स या ट्रेन वगैरह जाएगी तो डायरेक्टली ये हाइपर लूप में से गुजर, गुजर के सिटी टू में फास्टर पहुंच सकेगी बिकॉज उसके अंदर हमने क्रिएट किया होगा वैक्यूम प्रेशर तो वैक्यूम प्रेशर के कारण वो काफ़ी फास्टर विदाउट एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन फास्ट जो है वो पहुंच सकेगा प्लेस वन टू प्लेस बी तो वही कॉन्सेप्ट है ये न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम के अंदर सेकंड जो है वो मेडिकेशन डिलीवरी कि ये जो कार्ट है तो ये जो उसके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दीज आर व्हील्स ये व्हील्स पे हम उसको करा सकते हैं मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग ड्रॉवर्स हैं कि इसको हम मैं ड्रावर का नाम देता हूँ ए तो उसमें समझो कि मैं इस तरह से लेबलिंग करके रखा हूँ ए बी सी डी और ई e लिख लेता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि ये वाले ड्रॉवर में मैंने ए से लेकर ई e वाली मेडिकेशंस अच्छे से स्टोर करके रखी है फिर यहाँ पे एफ जी एच आई जे फिर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W, एक्स वाई जेड मतलब कि जिस तरह से प्रॉपरली हम अल्फाबेटिकली स्टोर कर सकते हैं और समझो कि मैं ये वाला ड्रावर ओपन करता हूँ तो जैसे ही वो ड्रावर ओपन होगा तो उसके अंदर भी ये अलग अलग कबर्ड्स हो गए कि समझो कि मैंने ये ए वे के लिए बनाया है बी है सी है डी ई e, और समझो कि सी के लिए ज़्यादा मेडिसिन है तो सी के में दो कबर्ड्स बना लेता हूँ तो जब मुझे मेडिकेशंस चाहिए तो इजीली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ विदाउट एनी मिसमैनेजमेंट बिकॉज कि समझो कि मुझे इमरजेंसी के अंदर एट जो है वो चाहिए और अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कौन से ड्रावर में रखी है तो मैं चारों ड्रावर्स की ये फर्स्ट वाला ड्रावर ये सेकंड ये थर्ड फोर एंड फिफ्थ चारों ड्रॉवर्स को बारी बारी से ओपन करूंगा और फिर मेडिकेशंस को अंदर ढूंढूंगा बट जब मैं इस तरह से प्रॉपर मैनेज करके रखूँगा मेरे ये मेडिकेशन डिलीवरी कार्ट को तो समझो कि मुझे चाहिए मेडिसिन ए वाली तो डायरेक्टली ये वाला ड्रॉवर खोलूंगा फिर समझो कि डिपिन चाहिए मुझे तो डिपिन के लिए डायरेक्टली मैं ये वाला ड्रावर ओपन करके एन वाले बॉक्स में से डायरेक्टली मेडिकेशंस निकाल के पेशेंट को दे सकूँगा तो ये क्या है एक टाइप के कन्वीनियंसी के लिए इस टाइप के सिस्टम हम डेवलप करते हैं इन दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन डिलीवरी सिस्टम तो ये हो गए कार्ड्स कार्ड्स को डिजाइन किए जाते हैं मेडिसिन को अच्छे से स्टोर करने के लिए लाइक फार्मेसी बॉटल्स वायल मल्टीडोज पाउच स्ट्रीप पैकेजिंग एंड मोर फिट कंफर्टेबली इन दिस सिस्टम सेकंड इज डी यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो हियर द वर्ड इज डी इट मीन्स नाउ द थिंग इज अबाउट द सैटेलाइट फार्मेसीज दिस ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सेटेलाइट फार्मसिज लोकेटेड ऑन ईस्ट फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल और एट द नर्सिंग स्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लोर कि जब हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी होती है या फिर मल्टीपल फ्लोरस होते हैं कि लाइक दिस क्या एक ऐसी हॉस्पिटल है कि इसके सबसे नीचे तो बेजमेंट उसके ऊपर उसका ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ सिक्स ऐसे बहुत सारे जो फ्लोर है ये हॉस्पिटल के अंदर है तो उस ग्राउंड फ्लोर पे जो फार्मेसी होगी उसको हम कहते हैं सेंट्रल फार्मेसी और ये जितने भी अलग अलग फ्लोर से वहाँ पे जो फार्मेसी प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मिनी फार्मेसी और उसको हमने दूसरा एक नाम दिया था सैटेलाइट फार्मेसी तो ये जो सैटेलाइट फार्मेसीज है कि जो अवेलेबल होती है कई बार नर्सिंग स्टेशन के पास हर एक फ्लोर पे अवेलेबल होती है तो वहाँ से मेडिसिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन कार्ट तो ये कन, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिसंेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द मेन फार्मेसी इज द प्रोक्योरमेंट इज़ फॉर प्रोक्यूरमेंट स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग जो मेन सेंट्रल और फार्मेसी है वो ड्रग प्रोक्यूरमेंट मतलब कि उसका मीनिंग होगा कि परचेस करना कि जब मेडिकेशंस को हम परचेस करते हैं उसको कहा जाता है उसका प्रोक्यूरमेंट किया तो उसका प्रोक्यूरमेंट का, का काम परचेसिंग का, का काम स्टोरेज का मैन्युफैक्चरिंग का वगैरह तो कौन करेगा ये मेन फार्मेसी बट डी का जो ऑपरेट करना है डी 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 ऑपरेट थ्रू सेटेलाइट फार्मासन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल एट नर्सिंग स्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लोर तो वो कहा जाएगा डिस यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो डीयूडीडी कैसे काम करता है वो आप अब अच्छे से समझते हैं कि सबसे पहले आप देखें कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है कि वैन द पेशेंट इज एंटर इन टू द हॉस्पिटल द फर्स्ट पेशेंट प्रोफाइल कार्ड इज प्रिपेर अपॉन द एडमिशन टू द हॉस्पिटल की बेज ऑन द प्रॉपर इट्स डिटेल कि जैसे कि जो पेशेंट का नाम है उसकी जो एज होती है मेडिकेशन हिस्ट्री वगैरह लेकर एक सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है पेशेंट का प्रोफाइल और उसका जो कार्ड होता है वो प्रिपेयर किया जाता है ऑन एडमिशन और टू हॉस्पिटल की जब भी आईपीडी के अंदर ये पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो उस वक्त अच्छे से उसका पेशेंट प्रोफाइल कार्ड प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद वो पेशेंट के जो भी मेडिसिन लिखी है तो उसका ये जो प्रिस्क्रिप्सन है ये वाला आर एक्स कि उसमें पेशेंट्स का नाम जो भी लिखा है उसका एड्रेस लिखा जो है प्लस मेडी प्रिस्क्रिप्स के अंदर मेडिकेशन जो भी लिखी है उसके जो डोजेज़ है कि वन ज़ीरो वन है ज़ीरो ज़ीरो वन के करके लिखा है या फिर वन 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 है या फिर वन ज़ीरो फिर नीचे जो भी सिग्नेचर होगा डेट लिखा होगा कि समझो कि फाइव नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी है तो इस तरह से जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो अच्छे से सेंड किए जाते हैं फार्मासिस्ट को ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मासिस्ट जो है वो रिसीव करेंगे सबसे पहले और रिसीव करने के बाद उसको अच्छे से करेंगे रीड रीड करने के बाद अच्छे से फार्मासिस्ट को चेक करेंगे जो भी मेडिकेशंस के ऑर्डर है और बेज ऑन दैट पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्सन अब जो जूनियर फार्मासिस्ट है वो मेडिकेशंस को पिक करेंगे एंड प्लेस ड्रग्स इन दैट पर्टिकुलर कार्ट कि जो कार्ड है या फिर जो मेडिसिन कार्ट जो हम कहते हैं मेडिकेशन कार्ड या मेडिसिन कार्ड उसके अंदर मेडिसिन को अच्छे से रखेंगे कि जो भी ये प्रिस्क्रिप्सन था उसके अकॉर्डिंग टू तो कि समझो कि ये फाइव डेज के लिए ही मेडिसिन लिखी है तो उसका मतलब हो medicines ये होगा कि मेडिसिन ये फाइव डेज की है दिन में दो बार लेनी है तो वो सिर्फ दस ही देनी है बी मेडिसिनस की पाँच ही टैबलेट देनी है सी के पंद्रह ही देने हैं बिकॉज तीन टाइम लेनी है पाँच मेडिसिन और ये डीम का भी दिन में एक ही लेनी है मतलब वो पाँच टैबलेट तो उतने ही यूनिट डोज में मेडिकेशंस को अच्छे से कार्ट में रख के वो फार्मासिस्ट वो कार्ट लेकर मेडिकेशंस को जो है वो पेशेंट की तरफ पहुंचाएगा अब ये जो मेडिकेशंस तो रख दी फार्मासिस्ट ने अब पहुंचाने का काम करना है तो वो पहुंचाने के लिए फार्मासिस्ट फिर से चेक करेंगे कार्ट बिफोर रिलीज कि अब ये कार्ट तो उन्होंने तैयार कर दिया है बेज ऑन प्रिस्क्रिप्शन कि आर के बेसिस पे अच्छे से वो कार्ट तैयार है अब जो नर्स है कि जो नर्सिंग स्टेशन पे जो नर्स है उसको ये कार्ट अब दिया जाएगा एंड द नर्स एडमिनिस्टर द ड्रग्स एंड मेक द एंट्री इन देयर रेकॉर्ड्स यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ पे ऊपर ही आप देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग फाइल से वो जो पेपर वर्क जो करते हैं तो वहाँ पे अच्छे से मेडिकेशंस का जो रिकॉर्ड है वो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे रख देगा जब मेडिकेशंस देने के बाद जब ये कार्ड रिटर्न आता है कि ये जो कार्ड जो है वो अब समझो कि रिटर्न आया है तो ये रिटर्न आए कार्ड को भी फार्मेसी के अंदर फिर से क्या किया जाता है रीचेक रीचेक इसलिए कि जो मेडिकेशन है वो राइट right पेशेंट को दी गई है या नहीं राइट right टाइम से दी गई या नहीं राइट डोज राइट मेडिकेशन एंड राइट रूट तो ये सभी राइट्स फॉलो किए गए या नहीं वो चेक करने के लिए फिर से यह फार्मासिस्ट उसको रीचेक करेंगे तो यह था प्रोसीजर फॉर यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग सिस्टम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर वो है डिस्पेंसिंग ऑफ ए कंट्रोल ड्रग्स कि जो हम सीखेंगे पार्ट फोर के अंदर की जो कंट्रोल ड्रग्स की जो ऐसी मेडिकेशन है कि जो एडिक्शन प्रोड्यूस करती है कि ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं आप उससे उसका एडक्स एडिक्शन हो सकता है बिकॉज दीज आर द डेंजरस ड्रग सब्सटेंस तो उसको अच्छे से इस तरह से मेडिकेशंस को लॉक एंड की के अंदर रखा जाता है एंड अंडर प्रॉपर सुपरविजन एंड डायरेक्शन ही उसको यूज़ किया जाता है तो ये टॉपिक भी काफ़ी आई एम पी है आपके लिए जो हम सीखेंगे पार्ट फोर के अंदर ऑफ दिस लेक्चर सो इफ यू लाइक अवर कंटेंट्स मस्ट लाइक द वीडियो शेयर द वीडियोज इन वेरियस सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड वेरियस प्लेटफॉर्म के इंस्टाग्राम है मैसेज के थ्रू आप लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स तो खास आपको अच्छे से, से शेयर करना है ऑल्सो इन ए फेसबुक ग्रुप्स मैसेंजर वगैरह सर्विस पे उसको फॉरवर्ड करना है यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप बाय सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप नाइन फोर टू सिक्स वन एट ज़ीरो एट थ्री सिक्स नंबर सो ऑलवेज बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ऑल्सो यूज दिस या फार्मा रॉक्स android app on google play for study material test series and video lecture